जैसा कि आप सब जानते हैं कि 100 साल पहले साई बाबा ने शिरडी में समाधि दी थी, तो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने बहुत ही खूब प्रयास किया है कि साई बाबा की जीवनी को दर्शाया जाए और बहुत ही बखूबी दर्शाया जाए। तो अब बिना किसी विलंब के मैं विनती करना चाहूंगा सोनी टीवी के सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर मिस्टर आशीष गोलवलकर कि वो इस शो के बारे में विस्तार से बताएं। प्लीज सर। हेलो, धन्यवाद आप सबका इस मेरे साईं श्रद्धा और सलूनी इस शो के पत्रकार सम्मेलन में। जैसा आपने झलक में देखा, ये शो हम वैसे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जैसा आपको पता है, समय समय पर बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम आप तक लेके आते हैं, चाहे वो फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो, जो एंटरटेनमेंट उससे भरपूर होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम ऐसी करते हैं, मैं भी कुछ देर पहले नितिन सर से डिस्कस कर रहा था, जो हम इन सब चीज़ों के बियॉन्ड होती है, जिसमें हम ये नहीं देखते हैं कि इसमें रेटिंग आएगी कि नहीं आएगी या ये इसका फ़ायदा है या नुकसान। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नफे नुकसान के बहुत आगे ऊपर होती हैं, और ये प्रयास एक वैसा ही प्रयास है। यहाँ इस शो का जैसा कि इन्होंने पूछा कि कैसे शुरुआत हुई, तो इसकी परिकल्पना एक विचार जो है वो करीब साल सवा साल पहले नितिन सर हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने बताया कि भाई ऐसा हमें एक शो बनाने का इच्छा है। तो हम ऑफकोर्स जैसा आपको पता है बहुत सारे हमारे यहाँ हनुमान महाबली हनुमान शो था, अभी नर्ता गणेश है, तो जो ऐसे शो जो अच्छा संदेश देते हैं वो हम समय समय पर करते आए हैं। तो हमने कहा कि ये ज़रूर हम इस पर बात करेंगे, और हमने बात शुरू की, बात ऐसी चलती रही। जैसे हम शो में जिसको हम डेवलपमेंट पीरियड बोलते हैं, तो वो हो रहा था, उतने में कहीं कुछ लिटरेचर हमारे हाथ में लगा, जो जिससे हमें ये ज्ञात हुआ कि कोइंसिडेंटली ये जो साल है 2018, ये श्री साईं बाबा जी के महानिर्वाण का 100वां साल है, 100th ईयर। अभी मैं पढ़ रहा था, एक सज्जन हमारे पास आए थे, एक बड़ा कार्यक्रम दो तीन साल से कर रहे हैं, जो 1918 में उन्होंने समाधि ली थी, और उसको अब 2018 में 100 साल हो जाएंगे। तो हमने कहा इससे एक अच्छा बहुत सही मौका हमें और नहीं मिल सकता, तो ये बहुत ही सही समय पे हमें एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली है। तो हमने तुरंत नितिन सर और दशमी क्रिएशंस को कहा कि इसमें आप तुरंत इस पर काम शुरू करते हैं। फिर ऑफकोर्स जो एक शो बनाने में जो चीज़ें होती हैं, रिसर्च है, जो नितिन सर अभी आपको डिटेल बताएंगे, तो लिखनी होती है, बाकी की जो रिसर्च वगैरह होती है वो सब शुरू हुई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी अगेन दशहरे पे बाबा ने समाधि ली थी, और अभी ऑलमोस्ट दशहरे के ही समय हम इस शो का शुभारंभ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कोशिश हमारी, जैसे मैंने कहा कि कुछ शोज होते हैं जो हम इसलिए नहीं करते हैं कि उससे हमें क्या मिलेगा, हम चाहते हैं कि जो एज एंटरटेनमेंट एज अ मीडिया बिग मीडिया चैनल, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों तक अच्छी विचार भी पहुँचाएँ। तो इस शो में हमने उसका एक छोटा सा प्रयास किया है बाबा दूसरी एक छोटी सी बात है कि जैसे हम जब इस पर विचार कर रहे थे कि हमें क्या लोग देखेंगे, तो जैसा कि हमारे जो होस्ट हैं एंकर, उन्होंने भी बताया कि बाबा के जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती क्यों जा रही है? सारे लोग जो बाबा के भक्त हैं, क्या सब लोगों को चमत्कार होता है? शायद होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल निजी राय है, कि जो उनकी सीख है उससे आपको एक एक जिसे बोलते हैं ना कि चाहे आपका देखो सुख दुख, जैसा बाबा भी कहते हैं कि ये तो लगा रहता है, हमारा जीवन है, हमारे कर्मों का फल है, लेकिन एटलीस्ट कुछ समय के लिए हमें वो अच्छा जिसे बोलते हैं कि सूदिंग लगता है। जो बाबा के पास जाते हैं हम, तो मुझे लगता है वो शांति और वो जो सूदिंग इफेक्ट बाबा का, आई थिंक वो रीज़न है
बाकी आपको मेरे को नहीं लगता कि इतने लाखों और करोड़ों की संख्या में जो भक्त हर साल शिरडी जाते हैं या हम हमारे घरों में और जो बाबा की पूजा करते हैं वो इस किसी अपेक्षा से पूजा नहीं करते, वो एक शांति की वहाँ पर उनको एक जैसे बोलते हैं ना प्राप्ति होती है। और उसी कारण मेरे को लगता है कि जो रेलेवेंस है, प्रासंगिकता है बाबा के संदेशों की, वो आज भी उतनी ही जैसे बोलते हैं प्रासंगिक है जितनी वो 100 साल पहले थी। बहुत जैसे हम देख रहे हैं हमारे आसपास समाज में जो 100 साल पहले जाति धर्म बहुत सारी इनकी आधार पर कुरीतियाँ हैं जो चली आ रही हैं, जो मेरे ख्याल शायद कम नहीं बढ़ी गई हैं अगर कुछ हुआ है तो। यदि वो जो प्रासंगिकता बाबा के संदेश में 100 साल पहले थी वो आज भी है, तो मुझे लगता है कि हमें वक्त वक्त पे समय समय पे उसे रिवाइज करना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि हम जो अच्छे ग्रंथ होते हैं उन्हें बार बार पढ़ते क्यों हैं, ताकि उसकी एक रिविजन होगी, भाई ऐसा बोला था। थोड़े लोग अगर हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए तो आई थिंक हमारा एक थोड़ा सा उसी के लिए प्रयास है कि लोग इसे देखें, उससे समझें, सीख लें और शायद उससे समाज में जो आज इतना अंधकार है थोड़ा शायद कम हो जाए। ये आशा से हम ये शो बना रहे हैं। बाकी शो कैसे बना हमारे साथ बहुत ही सीजन एक्टर्स हैं, ये कैसे जुड़े ये मैं नितिन सर को चाहूँगा कि वो उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। 2 साल के पहले जो स्थिति थी हमारे समाज की वो क्या थी? भुखमरी थी, अन्याय था, देश स्वतंत्र नहीं था और अलग अलग चीज़ों से गुजर रहा था। विदेश से आकर लोग राज कर रहे थे लेकिन जो देश में लोग थे, जो अमीर थे, वो भी गरीबों को इस तरह से बर्ताव करते थे। उस समय पे बाबा शिरडी आए और आज भक्तिभाव से बाबा के पास लोग जाते हैं जरूर, लेकिन वो जो सफ़र था बाबा का, उन्होंने जो सबसे गरीब थे, सबसे कमज़ोर थे, बाबा उनके साथ तब खड़े हो गए और जो अन्याय करने वाले थे उनको एक तरह का सबक बाबा ने सिखाया, करुणा, प्रेम, इसी पर भाईचारा, इसी पर ये देश और ये इंसानियत चलनी चाहिए, ये सीख उन्होंने दी। जाति धर्म जैसे भेदभाव हो, गरीब अमीर जैसे भेदभाव हो, इन भेदभावों के ऊपर जाके मानवता के रूप में बाबा ने सबकी सभी समस्याओं को देखा, अपना अपना हल निकाला, वो उपचार भी करते थे, मतलब कितने सारे उनके रूप थे जब वो शिरडी में थे और वो सब कैप्चर करने की कोशिश हमने मेरे साई श्रद्धा और सबूरी में की है। तब की शिरडी जो क्रिएट करना एक चैलेंज था वो हमने किया। एक तो ये एक फिक्शन सीरीज़ है तो कुछ चीज़ें काल्पनिक खड़ी करनी पड़ती है, लेकिन जहाँ तक बाबा की सीख है, बाबा की जीवन का जो संदेश है, जीवन का जो सार है, वो सही रूप में लोगों तक पहुँचे, ये इसमें हमारी ये कोशिश रहेगी। यहाँ पे साईं बाबा के एक अभ्यासक पवार काका बैठे हैं जो शिरडी में, जिनका बड़ा नाम है, साई भक्तों में बड़ा नाम है, वो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं ताकि साई बाबा की जो सीख थी, जो तत्वज्ञान था, जो फिलॉसफी थी, वो सही ढंग में, सही रूप में लोगों के पास जाए। और उस समय की जो स्थिति थी, जो हालात थी, वो क्या थे और किस परिस्थिति में बाबा उधर आए और उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया, तब ये एक अलग उसकी एक अनुभूति देने का एक प्रयास है। शिरडी खड़ी करनी थी तो पूरा रिसर्च करके मुंबई के नज़दीक ही एक 5 एकड़ लैंड पे पूरी शिरडी, तब की शिरडी, आज क्योंकि तब वो छोटा गांव था, आज की शिरडी बहुत बड़ी हो गई है। जब बाबा गए, एक अहमदनगर ज़िले का एक छोटा सा गांव, कस्बा भी नहीं, ऐसी तब की स्थिति होगी 100 साल पहले, 100-150 साल पहले, 1856 या 1857 करीब बाबा वहाँ गए होंगे। तब आप कल्पना कर सकते हैं इमीजिएटली, अच्छा 1856 के बाद एक स्वतंत्रता का भी रिवोल्ट, क्रांति इस देश में हुई, वो समय था और हिंदुस्तान एक कठिन समय से गुजर रहा था और ऐसे समय पे भाईचारा और करुणा का संदेश देने वाला एक महात्मा वहाँ पे गया जिसका नाम साई बाबा था। मतलब जीता जागता इंसान, लेकिन वो एक ही मात्र होगा शायद
जो भगवान का रूप प्राप्त कर रहा है, जो जिसे आज लोग भगवान के रूप में देखते हैं। जब हमने तब की स्थिति देखी और आज की स्थिति देखी, तब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। आज भी लोगों में तनाव है, आज भी लोगों में एक दूसरे के प्रति भेदभाव है, और इसीलिए ये कहानी लोगों तक नए सिरे से बताने की ज़रूरत हमें महसूस हुई, सोनी को भी महसूस हुई, और हम लोगों ने आके ये तय किया। एक शिरडी नज़दीक, बम्बई के नज़दीक नायगांव में हम लोगों ने खड़ी की है, और बहुत चैलेंजेस थे। मतलब स्टोरी और इसका चैलेंज अलग होता है, जीवनी तो सबको मालूम है, इसलिए वो ज़्यादा कठिन नहीं था, उस सच्चाई तक पहुंचना भी था, लेकिन साईं बाबा के किरदार को कौन निभाएगा, ये सबसे बहुत अहम चैलेंज हमारे सामने था। और करीब मुझे आपको मतलब आप समझेंगे किस दौर से हम गुजरे होंगे, हमारी टीम और सोनी की, दोनों की टीम, करीब 300 एक्टर्स का ऑडिशन इसके लिए किया गया, और 300 एक्टर्स में से एक साईं बाबा चुने गए, और मतलब एक प्रोसेस यहाँ पे चली। मतलब उसमें भी 300 में से 3 शॉर्टलिस्ट किए गए, उन 3 लोगों को साईं भक्तों को दिखाया गया, 6 शहरों के साईं भक्तों को दिखाया गया, उनको जो लगा कि ये बहुत नज़दीक जाने वाला है। और आई एम हैप्पी दैट आई एम प्रेजेंटिंग अबीर। अबीर इज पास आउट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अ वेरी गुड एक्टर, आप जरूर उसको देख के पसंद करेंगे। तोरल इज प्लेइंग बायजा, एंड तोरल को आपने देखा है पहले बहुत बड़ी सीरियल में, एंड शी इज़ प्लेइंग रोल ऑफ बायजा माँ। एंड वैभव मांगली जो मराठी फिल्मों के बहुत बड़े आर्टिस्ट है, वैभव इज़ प्लेइंग कुलकर्णी, कुलकर्णी सरकार का रोल वैभव मांगले कर रहे हैं। तो ये 3 प्रमुख किरदार है, लेकिन पूरा तब का शिरडी और कई सारे किरदार उस माहौल में, उस जब वो सीरीज शुरू होगी मंडे से 7:30 बजे सोनी पर, तब आपको देखने मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर इस सीरियल को पसंद करेंगे। सिर्फ सीरियल को पसंद करना इतना ही मकसद नहीं है, बाबा के जीवन का जो संदेश था वो आम लोगों तक पहुँचे, उन लोगों के दिल में, उनके घरों में, उनके उस समाज में, अपने पूरे समाज में एक शांति और सद्भाव कायम हो। श्रद्धा और सबूरी का जो मूल मंत्र दिया, आज तुरंत अपने को एक डिसीजन की ज़रूरत होती है कि मैं अगर कुछ कर जाऊँ, भगवान के मंदिर में जाऊँ, तो बाहर जाके मेरे पास मेरे सब समस्याएं मेरी छूट जाएगी, ऐसी एक अजीब इच्छाएं लोगों की भी होती है। श्रद्धा और सबूरी का संदेश इसलिए भी महत्व रखता है, और मुझे विश्वास है कि इस सफ़र में आप साथ देंगे और हम कामयाब होंगे। धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि शायद ये मेरी डेस्टिनी थी, और मैंने इस कैरेक्टर को नहीं चुना है, कैरेक्टर ने मुझे चुना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला ऐसे करके एक ऑडिशन चल रहा है, एंड दे पीपल आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज़ टॉलर देन 6 feet, सो आई एम नॉट 6 feet, सो डेफिनेटली नॉट फिट ओवर देयर। और मुझे बुलाया गया कि आप एक ऑडिशन दें, मैंने एक ऑडिशन दिया, अच्छा लगा क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत दमदार थी और कैरेक्टर ऐसा है कि शायद ज़िंदगी में यह मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मैं काफ़ी इमोशनल हूँ इस कैरेक्टर को लेके, और मेंटली बहुत ज़्यादा इनग्रेव होता जा रहा है कैरेक्टर मुझ में, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जैसे मैं पहले दिन था जब मैं बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ ऑडिशन देने गया था, साईं बाबा पकड़ रहे हैं मुझे, मैं उन्हें नहीं पकड़ पाऊँगा, क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं है इतने बड़े कैरेक्टर को पकड़ना जो देवता तुल्य हों और जिसके साथ इतने लोगों का बिलीव हो, क्योंकि डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को, हमारे जीवन को छू लेते हैं, तो हम उनमें विश्वास करने लगते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी बोलना चाहिए कि मेरे शायद कोई पुराने अच्छे कर्म हैं कि मैं इस कैरेक्टर को कर पा रहा हूँ, और सर ने और सोनी ने मुझे ये मौका दिया है। मैं ड्रामा स्कूल से हूँ, BNA भारतेंदु नाट्य अकेडमी, और वहाँ पर ट्रेनिंग होती है बाकायदा एक्टर्स की, उसमें हम तरह तरह के कैरेक्टर्स करते हैं, लेकिन ऐसा चरित्र मतलब कभी नहीं किया था मैंने। 2006 से एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं किया जैसा इस कैरेक्टर की लाइंस बोलते समय मैं करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद
जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि साईं बाबा एक ऐसा कैरेक्टर जो स्पिरिचुअली इनलाइटेड है, उन्हें सब कुछ पता है और फिर भी वो इतनी कॉमन लाइफ जी रहे हैं, लोगों को सीख दे रहे हैं अपने तरीके से, इतने सोशल हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ उन्होंने शिरडी में ख़त्म कर दी। हिंदू मुस्लिम छोटे बच्चे बड़े लोग, आज एक छोटा सा बच्चा वो भी साईं बाबा को उसी श्रद्धा उतने प्यार से मानता है जो बड़े बड़े संत ज्ञानी और मतलब भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता। तो एक ये कॉन्ट्रास्ट है, तो मैं ये कहूँगा कि शायद ये बाबा की ही कृपा है कि मैं इतने बड़े इतने ब्रॉड रेंज का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ और मैं खुद को अभी भी बहुत छोटा ही महसूस करता हूँ जब मैं साईं की तरफ देखता हूँ। मुझे बहुत बार ऐसा एहसास होता है जब मैं कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा होता हूँ, मतलब मैं मेल्ट फील करता हूँ अंदर से कि सर को लगा उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जब तक मैं साईं करता रहूँगा हर दिन मेरे लिए एक नई लर्निंग होगी इमोशनल लेवल पे। मैं मतलब वेन एवर आई यूज़ टू वॉच माई सेल्फ एज अ कैरेक्टर लाइक साईं, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। मैं बहुत बार डिटैच करने की कोशिश करता हूँ खुद को, लेकिन वो मुझे पकड़ते जा रहे हैं डे बाई डे। मैं महसूस कर रहा हूँ उनकी तरह, बहुत बार जो मेरे अंदर चीज़ें थी कि रिएक्ट करता था वो कम होता जा रहा है, मेरा ब्रीदिंग पैटर्न ही चेंज हो जाता है। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच सोनी चैनल, थैंक यू सो वेरी मच सर, और जो भी लोग मेरे साथ कर रहे हैं काम वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग शो देखिए और जो भी आपको लगता हो कहीं कि ऐसा और होना चाहिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचा पाऊं जो साईं के बारे में आप जानते थे या आप जितना महसूस करते थे उस इमोशन को उस फील को इन्हेंस कर पाऊं साईं बाबा का वो पहलू जो शायद वो सोचते थे या जैसा उनके अंदर चलता था वो मैं पोर्ट्रे कर पाऊं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे साईं श्रद्धा और सबूरी, इतना सब कुछ सब बोल चुके हैं शो के बारे में, मैं बायजा का किरदार निभा रही हूँ। सो बेसिकली जब पहली बार मुझे बताया गया, कॉल किया गया, तब मैं खुद इतनी श्योर नहीं थी कि मैं ऐसा कोई शो या ऐसा किरदार निभा पाऊँगी जो डिवोशनल शो है, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं और कैसे ये सारे कैरेक्टर्स साईं बाबा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो मैं खुद इतना नहीं जानती थी इस कैरेक्टर के बारे में, लेकिन जो ब्रीफिंग मुझे मिली, जो क्रिएटिव टीम ने मुझे दी और जो डायरेक्शन टीम से ब्रीफिंग मिली, उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ अभी। और बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है और साईं के साथ एक स्पेशल बॉन्ड है, मतलब अपना बेटा नहीं है लेकिन फिर भी वो उसे अपने बेटे के जैसे प्यार करती है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो ये बहुत ही स्पेशल रिलेशन है। और पाटिल है, पाटिल की बीवी है, तो उसका अपना एक ओहदा है शिरडी में और अपना स्टैंड लेती है वो कुछ गलत के आगे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी इस शो को देखें और हम सबको पसंद करें हमारे किरदार में। थैंक यू। नमस्ते। मैं इसमें, जैसे बताया नितिन सर ने कि मैं इसमें कुलकर्णी का कैरेक्टर कर रहा हूँ और जो थोड़ा सा निगेटिव है, साईं बाबा के विरोधक है कुलकर्णी, तो थोड़ा निगेटिव शेड वाला कैरेक्टर कर रहा हूँ। और ये है कि शिरडी में उसकी सत्ता है, उसकी पावर है, तो जब साईं बाबा आते हैं शिरडी में और सब जिसे कहते हैं हम उनको धक्का देते हैं कुलकर्णी जी को, तो फिर वो बहुत चिढ़ जाता है और उनका विरोधक बन जाता है प्रोमिनेंटली। और ये मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, जैसे अभी अबीर ने बताया कि वो फील कर रहा है वो सब चीज़ें, वैसे मैं नहीं करना चाहता क्योंकि क्योंकि वो बहुत ही निगेटिव है। जैसे आपने देखा ट्रेलर में, वो जिस तरीके से पेश आता है लोगों के साथ, वैसा मैं नहीं आना चाहता मेरी निजी ज़िंदगी में। और अच्छा कैरेक्टर है, करने के लिए बहुत कुछ है उसमें, बहुत शेड्स है। और जैसे मैं मराठी थिएटर करता हूँ, टेलीविज़न भी कर चुका हूँ, फिल्में कर रहा हूँ, और
कॉमेडी मैंने बहुत की है मराठी में, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं हिंदी में आया हूँ और सोनी टीवी पर इतना बड़ा मेरे लिए डेब्यू सीरियल है, तो नेगेटिव कैरेक्टर में कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है ये कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ और वो काम सब लोगों के सामने आ जाएगा और अच्छी सराहना भी मिल जाएगी ये काम के लिए. सो थैंक यू सो मच. तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर 300 ऑडिशंस के बाद कलाकार को चुना जाए तो आप सोच सकते हैं कि अभिनय जो है शो में कितना बेहतरीन होगा. अब मैं हमारे मीडिया के जनों से, मैं मीडिया के जनों को कहना चाहूँगा कि आप अपने सवाल जो हैं वो हमारे इन लोगों से पूछ सकते हैं. मेरा सवाल है अबीर से, कितना चैलेंजिंग था खुद को साईं बाबा के किरदार में ढालना और क्या प्रिपरेशन की? जैसे बाकी लोग एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें से मेथड एक्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. कंटेम्प्रेरी तो नहीं कह सकते क्योंकि मीडिया में बहुत फास्ट चाहिए होता है, स्क्रिप्ट सुबह मिलती है, दोपहर तक तैयार करना है, और बल्कि कई बार ऐसा होता है वैनिटी में आए स्क्रिप्ट आई और तैयार होने में जो भी 20 मिनट गए उसमें आप पहुँच गए. लेकिन बैक ऑफ द हेड चीज़ें चलती रहती हैं. मैथड एक्टिंग में क्या है कि आपको खुद को उस कैरेक्टर के रूप में देखना होता है, भले ही वो आपका अटायर हो, आपका बॉडी लैंग्वेज हो, आपके जेस्चर हो, आपका पोस्चर हो, आपका साइकोलॉजी हो, तो उन चीज़ों पर काफ़ी काम करने के लिए था. एंड थैंक यू टीम दशमी कि उसमें अपर्णा मैम ने मुझे एक बुक गिफ्ट करी थी साइंस सच्चरित करके, तो मैंने उसको पढ़ा और बाबा के बारे में वो भी लोगों ने बताया है. बाबा का डायरेक्ट कुछ ऐसा है नहीं कहीं डायलॉग मिल पाए या वो कैसे डील करते थे, लेकिन इमेजिनेशन जो है, जो एक्टर का मतलब कोर जो रहता है, वहाँ पर आप चीज़ें स्टोर करते रहते हैं वन बाय वन, एक स्टोरी, दो स्टोरी, तीन स्टोरी. अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर होता एज अबीर तो मैं कैसे रिएक्ट करता, लेकिन बाबा ने कैसे किया. सो आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ फ्रॉम अबीर टू साईं बाबा साइकोलॉजिकली एंड द वे आई रिएक्ट. जैसे पहले मैं ऐसा था कि आपने बोला कि अबीर कुछ बताइए, हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा इतना पेस था. और बाबा को जैसे आदिल हुसैन है इस समय जो इंडिया के लीडिंग एक्टर्स में से हैं, तो मैंने उनके साथ भी कुछ समय बिताया है. नसीर साहब भी उनके लिए बोलते हैं कि वो मुझसे भी अच्छा करते हैं कई बार, तो वो एलिमेंट्स पे काम करते हैं. तो मैंने जो एलिमेंट चुना है वो साईं बाबा के लिए क्लाउड है, क्लाउड स्काई, क्योंकि वो सब जगह हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं. ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग कि जब बारिश का महीना आएगा तो बारिश होगी, जब विंटर्स आएंगी तो सर्दी पड़ेगी. साईं बाबा इज़ लाइक विंटर, कहीं बाहर से नहीं आता है, साईं बाबा हमारे बीच में, वैसे ही कब चेंज होता है पता नहीं, एहसास कराते हैं. अगर आप जाग सकते हैं तो जाग जाएं. जैसे एक क्वेश्चन मुझसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि आप कैरेक्टर को कैसे देखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि पर्सपेक्टिव है आपका. आप अगर इन दो शब्दों श्रद्धा और सबूरी से कुछ लेना चाहें तो मेरे ख्याल से दुनिया की हर प्रॉब्लम इन दो वर्ड से सॉल्व हो सकती है. अगर आपका सुपरनैचुरल भगवान में बिलीव है, अपने आप में बिलीव है, आत्मा में, तो वो श्रद्धा हो गई. और सबूरी का मतलब ये हुआ द डे विल कम. आप देखेंगे अभी ये एपिसोड आएगा तो उसमें एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए. जब टाइम आएगा तो चीज़ें अपने आप बनेंगी. इट इज़ लाइक दैट. एक साईं बाबा के लिए छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि न ढूंढ बंदे मुझे आसमान में ज़मीं की गहराइयों में, न ढूंढ बंदे मुझे आसमान में ज़मीं की गहराइयों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ मैं. बात विश्वास की है, बाकी बाबा का. तोरल, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है. अब तक आपने खाली बहुओं के जो टिपिकल रोल्स होते हैं वैसे किए हैं, सो ये रोल का कैसा था आपके लिए, थोड़ा डिफरेंट? बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद श्योर नहीं थी इनिशियली कि मैं ये इस किरदार को निभा पाऊँगी या नहीं, बट इस काफ़ी शेड्स हैं, वेरिएशन हैं रोल में,
तो मुझे अभी करते हुए तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और आई गेस ये फीडबैक तो मुझे आप लोगों से मिलेगा जब यू नो आप देखेंगे शो को और आप बता पाएंगे कि मैं इस पे खरी उतर रही हूँ या नहीं. माई क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू तौरल एंड अबीर. सो आर यू बोथ एक्चुअली बिलीवर ऑफ बाबा इन रियल लाइफ? बिलीवर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ स्पेशल कनेक्शन है बाबा के साथ. जैसे कि मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि जब भी मैं कुछ नया शुरू करती हूँ या करने जा रही हूँ तो मैं उनके दर्शन के लिए ज़रूर जाती हूँ. ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं जाऊँ और मैं जब भी उनके आइडल के सामने खड़ी रहती हूँ तो मुझे मैं सब कुछ भूल जाती हूँ. मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों आई हूँ, मैं क्या बात करना चाहती हूँ या कि मैं कुछ मांगने आई हूँ या मैं थैंक यू कहने आई हूँ. मुझे कुछ याद नहीं होता, बस मेरी आंखों में से थोड़े से ऐसे आंसू आ जाते हैं और मैं इमोशनल हो जाती हूँ. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच. व्हाट अबाउट यू अभी? मैं तो ये बोलूँगा कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली हुई हैं तो मैं तो सेकेंड थाट ला ही नहीं सकता बाबा के लिए. जैसे पहले मुझे ही लग रहा था कि मैं ये कैरेक्टर नहीं कर पाऊँगा, तो एक छोटा सा इंसिडेंस है जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में ऐसा पॉइंट है कि मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा. एक साल पहले मैं 2013 में बॉम्बे आया था और मेरा टारगेट था कि मुझे घर खरीदना है. लोगों ने बहुत बार बताया कि यार बॉम्बे में घर खरीदने में लाइफ निकल जाती है, लोग नहीं ले पाते. मैंने एक विश करी थी कि मैं गणपति बिठाऊँगा और मुझे दर्शन करने जाना है शिरडी. मैं शिरडी पहुँचा एक साल पहले अपनी मम्मी के साथ, मेरे कुछ दोस्त थे और वहाँ पर उस दिन काफ़ी क्राउड था तो हम अंदर नहीं जा पाए. लेकिन मेरी मम्मी मेरे साथ यहाँ नहीं रहती हैं, वो हमारे होम टाउन में हैं, तो हमने कुछ बात बात करके, मेरी एक दोस्त थी साथ में, उसको हमने रिक्वेस्ट किया कि तुम कुछ बात करके देखो, लेडीज़ का कुछ क्यू छोटा हो या कुछ ऐसा हो जाए, तो वो लेके गई. मेरी मम्मी एक ज़माने से साईं बाबा के लिए व्रत रखती हैं और उनका बहुत ज़्यादा बिलीव है और जिसमें माँ बिलीव करे तो उसमें कोई सेकेंड थाट नहीं होना चाहिए, तो हम भी करते हैं. वो दर्शन करके आ गई और वो मुझसे बोल रही थी तुम भी जाओ. लेकिन सेम डे हमारा प्लान था कि हम शिंगणापुर भी जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी को आज शिंगणापुर ले जाना चाहिए, लंबा ट्रैवल करना था, शी इज़ हार्ट पेशेंट. तो मैंने बाबा के सामने बुके रखा. वहाँ पर साईं बाबा का एक जगह से साइड प्रोफाइल मिलता है, लेफ्ट प्रोफाइल साईं बाबा का आप देख सकते हैं, विंडो है वहाँ पर एक. तो मैंने वहाँ से उन्हें देखा और मैंने बुके मेरे हाथ में था, मैंने ज़मीन पर रख दिया और मैंने बोला कि बाबा मैं दर्शन करना चाहता हूँ आपके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समय बहुत कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अगली बार आप बुलाओ तो ऐसा बुलाना कि सेलिब्रिटी बन जाऊँ मैं, सेलिब्रिटी बना के बुलाओ आप. तो 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए, कि वो एक साल हुआ नहीं और मेरा सिलेक्शन हो गया, वो भी उस कैरेक्टर के लिए जो मुझे भी लगता था कि शायद इतना बड़ा कैरेक्टर मैं लाइफ में नहीं कर सकता. फर्स्ट टाइम में तो मैंने मना ही कर दिया था कि मैं ऑडिशन के लिए नहीं आऊँगा और बाबा ने फिर ऐसे बुलाया कि उन्होंने अपना ही कैरेक्टर दे दिया कि अब इससे ज़्यादा तुम्हें VIP में क्या बना सकता हूँ शिरडी में. तो मैं तो ये कहूँगा नो वर्ड्स. मेरा बिलीव अगर पहले 80% था तो अब वो 180,000% हो चुका है और ऐसा हुआ है, अभी एक ही साल हुआ है. मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, वो मतलब सब खुश हो गए थे. उन्होंने सब ने ये बोला कि दादा आपके वर्ड्स वो इतना जल्दी सुनेंगे कि एक साल भी नहीं हुआ और आप ऐसा कुछ कर रहे हो. 300 ऑडिशंस, मुझसे स्मार्ट लड़के भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, लेकिन मैं बाबा नहीं पोर्ट्रे कर सकता, वो आते हैं तो मैं कर लेता हूँ बस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. माय क्वेश्चन इज़ फॉर सर आशीष सर. दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिमिटेड और इज़ इट फाइनाइट और व्हाट हैव यू प्लान्ड विद इट? एंड कांग्रेचुलेशन, सोनी इज़ नंबर 2 दिस टाइम. सो व्हाई यू थॉट ऑफ ब्रिंगिंग द शो एट दिस मोमेंट? देखिए मैंने जब व्हेन आई स्टार्टेड यू नो टू चैट विद यू, आई सेड दैट साईं बाबा मुझे नहीं पता चमत्कार सबके साथ करते हैं कि नहीं, लेकिन आई हैव नो रीज़न नॉट टू बिलीव दैट. आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, टुडे इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफ यू नो मेरे साईं श्रद्धा और सबुरु, एंड दिस इज़ द डे व्हेन वी बिकम नंबर 2. या इट्स अ रियली ग्रेट फीलिंग. ऑफ कोर्स साईं बाबा का बहुत बड़ा हाथ है और एक साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं जो कौन बनेगा करोड़पति की होस्ट हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो लिमिटेड सीरीज या अनलिमिटेड ऐसा कुछ होता नहीं. सोनी पे जैसा आप देखते हैं, एक यू नो पूरा शो जो है वो साईं सच्चरित्र को यू नो आधार स्तंभ बना के उसके अराउंड यू नो क्रिएट किया गया, बुना गया. तो जितना यू नो उस
जो उनकी बाबा की एक यू नो कार्य एज इन यू नो जो उनका एक जीवन था जो फ्रॉम द टाइम ही केम टू शिरडी फर्स्ट जो आप देखेंगे फ्रॉम द टाइम व्हेन ही डिड आई मीन ही टुक समाधि तो सॉरी या तो वो पूरा हम कवर करेंगे कोशिश है कि वो सारा बिकॉज यू नो ही वहाँ पर जो आए थे उसके बाद में वो काफ़ी साल शिरडी में रहे और फिर फाइनली उन्होंने 1918 में समाधि ली तो वो पूरा एरा दिखाएंगे अभी तक हम जो कहानी लिख चुके हैं जहाँ तक ही स्टिल यंग साईं बाबा तो अभी ही स्टिल एजिंग सो आई थिंक बट इट विल बी अ फाइनाइट सीरीज And is it a conscious decision to bring more of Mython historical shows? Because of late we have been seeing a lot of Mython. And I think you have a lot of lineup also on that. Yeah, there is nothing, you know, conscious or, you know, this is, most of the shows actually are in production for almost a year or, you know, maybe more. You know, it's depending on when, you know, which show is getting off air. And there are a lot of other channel strategies basis that we launch shows. So Sai Baba is ready with us for the last 2 months. Yeah. For 2 months it's ready, but you know we thought that this is the right. And for Mere Sai, this particular show we wanted to launch, you know, at a time when the 100th year of you know Baba Ki Samadhi starts. So I think that is now you know with Navratri it started. So I think we waited for that. This was the right opportunity for us to launch a show like this. So we are launching it now. Of course, the rest of the shows that you are talking about, like some time back we launched Vignaharta Ganesh. That's again, it's a channel driver today from the fiction point of view. So, you know, it all depends on the channel strategy. Currently, of course, one is working on multiple, you know, shows on Sony Entertainment Television. Most of the historicals and mythological shows have done really well. They have been channel drivers right from Maharana Pratap, Mahabali Hanuman to now Vignaharta Ganesh. So, you know, we've been experimenting. Most of the channels do that. I think, but this show, as I said earlier, is not, you know, part of any channel strategy. This is something that as a channel, we want to, you know, people to know. We want them to, you know, jise bolte na ki Baba ka jo darshan hai, Baba ki jo philosophy hai, usko hum chahte hain log usko atmasat karein aur jeevan mein aage badhein. सर अभी अगर चैनल की बात करें शोज़ की बात करें तो कुछ कंट्रोवर्सीज से भी जुड़ा है चैनल का नाम जैसे पहरेदार पिया की शो आया आपका और फिर उसके बाद अभी कपिल और सुनील ग्रोवर यही समझ नहीं आ रहा कि किसका शो अब चैनल पे आएगा तो उस पर कुछ आप ब्रीफ देना चाहेंगे नहीं मैं नहीं वो तो शो में लिखा है श्रद्धा और सबूरी सो देखिए लोग यू नो इंसान है हम लोगों से भी गलतियाँ होती हैं यू नो सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा बहुत सीजन्ड एक्टर हैं उनको भी मैं जब अभी लास्ट टाइम मिला था कुछ दिन पहले मैंने उनको वही बोला कि प्लीज़ शो देखो शायद ठीक हो जाए श्रद्धा रखो और पेशेंस सबूरी वंस पेशेंस तो आप यू नो हैव फेथ हैव पेशेंस थिंग्स विल बी फाइन सो हाय दिस इज केनरी कुछ दिन पहले सिख कम्युनिटी ने उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं कुछ ऐसा इस शो के साथ ना हो तो कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि ऐसा इस शो के साथ ना हो देखिए हम कोई भी शो मुझे वो वाला बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट चैनल सो आई वुड वांट टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ फ्रॉम कमेंटिंग ऑन एनी थिंग विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ हाउएवर एज फार एज दिस शो इज़ कंसर्न यू नो हमने बहुत जिसे बोलते हैं ना ड्यू डिलिजेंस जिसको बोलते हैं कि हमने बहुत बिकॉज इतना सी दिस इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर दिस इज़ समथिंग दैट पीपल यू नो आर इमोशनली कनेक्टेड एंगेज्ड डे ऑन डे एवरी डे राइट सो we got to be sensitive right besides ye mythological character nahi hai jo humne puranon se padh ke hum unka kuch you know recreate kar rahe hain ye this particular you know jo sai baba jo hain wo 100 saal pehle you know hamare aapke jaise the so jeevant hain to unki jo bhi cheeze hain wo aaj available hain photographs ho ya you know unhone jo veshbhusha jo thi us dauran shirdi thi unke around kulkarni यू नो बाईजा का ये सारे लोग वहाँ पर थे हमारे जैसे हार्ड मास के राइट सो उनके साथ में कुछ भी ऐसा करना जिससे लोग इमोशनली एंगेज्ड हो इज समथिंग दैट नोबडी वांट्स एंड वी हैव आल्सो नॉट
as Nitin sir was saying, that, you know, because we are making a series, you know, there is some dramatization that is required to be done to make a television show. That level of liberty we have taken, but otherwise, and, you know, hamare sath bahut hi seasoned researcher hai. Shirdi, jaisa maine kaha ki Sai Sat Charitra ko aadharstam maan ke humne ye show banaya hai, aur Shirdi Sai Sansthan ke saath humne, you know, we are, unka aashirwad hai hamare sath. Aaj Shri Havre, jo Dr. Suresh Havre, jo Shirdi Sai Sansthan ke chairman hai, wo yahan par hamare beech hone wale the, lekin kuch karanvash unhe Delhi jana pada. But wo Sansthan has extended their full support with us. I think it's you know, you should not take it as a program. It's a social cause. We think as a channel that people should know about this. It's not that, you know, ye hum kisi you know karan se nahi kar rahe ki iski rating aayegi nahi aayegi, shayad aa jaye, achhi baat hai, but hum chahte hain ki zyada se zyada log you know isse jude, isko samjhe, aur you know ye jo baba ki jo seekh hai use aatmasat kare. Sir, aap kuch? No, I said that is the only purpose. So, as far as his message, Sai Baba ka jo jivan ka sandesh tha, unka jo tatvajnan tha, unhone jo seekh 100 saal pehle tab logon ko di, usi ko samne rakhkar, usi ko central rakhkar, ird-gird mein ye show create kiya jane wala hai. So, mujhe ummeed hai ki shraddha aur saburi ka message pahunchana, ye maksad hai. Aur wo pura hoga. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम वन ऑन वंस के लिए आगे बढ़ेंगे. आप सबको मैं ज्ञात करा दूं, ये जो शो है ये दशमी क्रिएशंस द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है. दशमी क्रिएशंस जो है वो बैनर है, और देखना मत भूलेगा इस शो को 25 सितंबर से, सोमवार से.